महानगर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट ने प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि महानगर के डॉक्टर के साथ बैठक की गई है। हॉस्पिटल और क्लिनिक के बाहर पार्किंग की समस्या बनी रहती है। हॉस्पिटल में जो भी मरीज आते हैं वह अपनी गाड़ियां रोड के किनारे खड़ी कर देते हैं, जिससे पब्लिक के आवागमन में और ट्रैफिक में असुविधा उत्पन्न होती है। उन्होंने बताया कि इसी संबंध में डॉक्टरों से मीटिंग कर बताया गया कि मरीजों का वाहन किस तरह से रोड पर खड़ा ना हो पाए और जल्द से जल्द पार्किंग की व्यवस्था करें। बैठक में SP ट्रैफिक महेंद्रपाल सिंह, कर्नल CP सिंह, IMA के अध्यक्ष डॉक्टर शिव शंकर शाही, ADM ई प्रभुनाथ गुप्ता सहित अन्य डॉक्टर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, आपके एरिया के नंबर ड्राइव जल्दी प्लान है। मैं सबसे कर लो तो थोड़ा इनके एरिया के नंबर ड्राइव थोड़ा आगे डिले कर दिया जाए, 7 दिन 8 की बात कर दी जाए, ताकि हम देखते हैं कि क्या परिवर्तन अभी आपके स्तर से आ रहे हैं। तो हमें पेशेंट्स को परेशान नहीं करना है, इसीलिए ओनस आपके ऊपर है, बॉल आपके कोर्ट में है कि आप डिसाइड करिए कि आप किस तरह इसको करेंगे। मेरा बस ऑब्जेक्टिव सिंपल सा ये है कि मेन रोड फ्री रहेगी और कैरी एरियाज में भी जमीन ढूंढ रहे हैं आसपास, जहां पे हम लोग एक इंटीग्रेटेड पार्किंग टाइप की बना सकते हैं। जैसे ही हमको जमीन मिलती है, हमारी बातें चल रही हैं, तो हम लोग इसके लिए भी काम करेंगे, पर इसमें टाइम लगेगा, टाइम लग सकता है, पता है इसमें 3 महीना 6 महीना कोई भी समय लग सकता है, 15 दिन 1 महीना। तो अभी आपके पास ये है, मैं नहीं चाहता कि कोई पब्लिक न्यूसेंस की नोटिस हमारे यहाँ से या कार्रवाई हमारे स्तर से आपके लिए हो, क्योंकि हम सब मिलकर कोरोना में 2.5 साल साथ में काम किए हैं, आगे भी हमें साथ ही काम करना है, ये मेरी इच्छा है। तो अब मैं 2 मिनट के लिए पॉज करके आपसे पूछना चाहता हूँ कि इनकेस आप अभी कोई सजेशन देना चाहते हैं या आपके कोई अप्रिहेंशन है, कोई डाउट है, कुछ है तो आप बता सकते हैं। आपको देखा हुआ छात्र संघ से डीएम साहब के आदेश पे हम लोगों ने जो खाली किया था तोड़वा दिया है, अब वहाँ बहुत पार्किंग हो गई है, तो दो चीज हम लोग की तरफ से अच्छी अच्छी हुई है। इसको माइनर वाले को कर लेंगे, इसे कितना असर पड़ेगा देखा जाएगा, लेकिन जो मैं काम देख रहा हूँ बजट से वन वे करना एक अच्छा प्रयास था, पर इसके पहले हुआ और बहुत अच्छा था और अब फूल चल रहा था। और छेदे में लगाते हैं, सही करने लगाते हैं, जैसे नाजर लगा चालू रहते हैं तो वो ज़्यादा भीड़ करते हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए शहर में अतिक्रमण अभियान जो है वो इस माह पूरा प्लान किया गया है, जो प्रमुख चौराहे और जो प्रमुख मार्ग है उनके लिए अतिक्रमण अभियान जो संयुक्त टीम है उसके द्वारा प्लान किया गया है। तो इसी संबंध में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे जो आमतौर पे ठेला और खुमचे के व्यवसायी होते हैं जो वहाँ लगाए रहते हैं, इसके अलावा जो वहाँ के व्यापार मंडल के लोग हैं उनके साथ पूर्व में मीटिंग कर ली गई है और ये अभियान इस समय सुचारू रूप से चल रहा है। तो इसी क्रम में आज यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ मीटिंग की गई है शहर के, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो भी डॉक्टर्स और उनकी क्लिनिक है हॉस्पिटल है उसके बाहर आमतौर पर पार्किंग की समस्या को लेकर लोग बेतरतीब गाड़ी पार्क करते हैं, जिससे पार्किंग और लोग रोड पे वहाँ गाड़ियाँ पार्क करते हैं, जिससे आमतौर पर समस्याएं होती हैं और पब्लिक के आवागमन में और ट्रैफिक मूवमेंट में समस्याएँ आती हैं। तो इसीलिए डॉक्टर से मीटिंग की गई, उनको बताया गया कि क्या क्या किस तरह से अपनी पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करें और किसी भी तरह से किसी की भी पार्किंग जो है या कोई वाहन जो उनको दिखाने वाले मरीज उनका वाहन जो है किसी भी तरह से रोड पर ना आए, इस समय उनको पूरी तरह ब्रीफ किया गया। इसमें IMA के लोग भी थे और साथ साथ जो भी यहाँ पे मेडिकल एसोसिएशन के लोग हैं और जो और भी यहाँ पे दवा विक्रेता संघ के लोग थे वो भी यहाँ पे सब उपलब्ध थे, उपस्थित थे। तो सभी इसमें अपनी सहमति दिए हैं और उनके द्वारा 3-4 दिन का समय लिया गया है कि उससे इन समय में अपनी व्यवस्थाओं को बेहतर करेंगे और पार्किंग कोई ना कोई व्यवस्था अपने हॉस्पिटल के अंदर देने की कोशिश करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार से उनके कारण शहर में जाम नहीं लगेगा। तो इस संबंध में बैठक की गई है और बड़ी सार्थक चर्चा हुई है सबके साथ और उम्मीद है कि जो बेतिया था और जो अन्य क्षेत्र जहाँ पे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक के कारण जाम लगता है प्रमुखता, उससे जाम समझाती लग जाएगी।